और बहुत लोग जो हैं वो बेचारे पूछ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कंसर्नड है हमारी बेटी के बारे। लुलु मॉल में आके लगता है आप इंडिया में आ गए हो, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर आपको मेजॉरिटी साउथ इंडियंस की दिखाई देती है। अभी हम जा रहे हैं लुलु, नहीं हम लोग जा रहे लिफ्ट में। नहीं फिर मेरा व्लॉग बनता जा रहा है और मेरी फ़ोन में स्पेस कम होती जा रही है और एक भी व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा है। ये है फुटबॉल स्टेडियम, एकदम घर के पास है, यहीं पे आप नमाज पढ़ने जाते हैं ना, सामने है मेट्रो और हम चलेंगे इधर से। हमें किसी एंट्रेंस पे नहीं जाना है क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं और। आज मैच चल रहा है तो सारे फैंस वैंस आ रहे हैं मैच देखने, इनका भी दिल चाह रहा है मैच देखने का, बट अभी ये देख नहीं सकते, सॉरी। इट इज व्हाट इट इज। और ये आप अपना टीम का वो खरीद सकते हो, जिसके आप फैन हो उसके लिए लोग यही बेच रहे हैं। आपको कौन सा टीम का लेना है वामे? ये दोनों लोकल टीम है। थोड़ा जोर से बोलें। देखो ये चल रहा है, मुझे कैसे दिखेगा कहाँ चल रहा है, हम चुपके से देखना चाह रहे हैं लेकिन नहीं दिख रहा। वो बोर्ड लगा है जिस जिसका मैच चल रहा है, शबाब अल राही वर्सेस अल रमजान का मैच चल रहा है। अरे यहाँ से दिख जाता, हम लोग दीवार से जा रहे थे, वहाँ दरवाज़ा ही खुला है, मतलब कुछ तो दिखेगा। अभी देखो अंदर का सीन है स्टेडियम के, यहाँ पूरा ये है, यहाँ की बस ये जाती है शारजाह तक, मुझे भी बैठना है। मैं सोचती थी कभी मुंबई जाऊंगी तो वहाँ पे बैठूंगी ऐसी बस में। शारजाह के लिए भीड़ देखें आप लोग, वो आ गया हमारा लुलु। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हैं? हाँ आराम से क्रॉस कर सकते हैं, जो इधर इधर से गाड़ी आ रही है वो रुक जाएगी, अगर नहीं रुकी तो पुलिस ले जाएगी उनको। हाँ जैसे हम जा रहे हैं तो ये रुक जाएंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि हम यहाँ से आ रहे हैं, अब उधर से वो भी रुक गई है। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा सिस्टम है, कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा नहीं होता है। सामने मेट्रो है और आप लुलु में भीड़ देखें क्योंकि आज है वीकेंड इसलिए। और हाँ साउथ इंडियंस तो बहुत ज़्यादा दिखेंगे और चीज़ें भी आपको वैसे ही दिखेंगी, डोसा वो सब बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है यहाँ पे, मिलता सब कुछ है, बट आप देखोगे तो आपको लगेगा आप इंडिया में ही हो क्योंकि आपको ऐसे ही सारे लोग दिखेंगे। बट यहाँ पे टुक टुक की बहुत याद आती है कि आप 5 रुपये दे के बैठो और सीधा चल दो, यहाँ पे आपको खुद ही चलना पड़ेगा। अच्छा भी है कि वेट लूज़ हो जाएगा मेरे जैसे लोगों का जो करना चाहते हैं। एग्जिट मदखल, एंट्रेंस को कहते हैं मदखल। भीड़ देख सकते हैं आप लोग, बताओ कैसा लग रहा है? तो इसके लिए तुमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हाँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ। एकदम आपके सर के ऊपर से प्लेन जाएगा और वहाँ स्टेडियम से फैंस की चिल्लाने की आवाज़। स्टेडियम में मॉल बना हुआ है और ये जाना चाहते हैं अंदर, बट इनके पास नहीं है पास, ये नहीं जा पाएंगे, शोर की आवाज़ आ रही है। और हमने खरीदी है अपना सामान जो हम लेने आए थे, कुछ ही हर चीज़ का पता होना चाहिए। कभी आपको मैच देखने आना हो तो आप आ सकते हैं, मुझे तो इंटरेस्ट इतना है नहीं, आप अपनी बेटी को ले आना वो देख लेगी, उसको स्टार्टिंग से फैन बना देना अपनी फेवरेट टीम का। फुटबॉल एकेडमी में इंशाल्लाह रोनाल्डो। और बहुत लोग जो हैं वो बेचारे पूछ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कंसर्नड है हमारी बेटी के बारे में, जो रोज़ पूछते हैं भाई आपकी बेटी कहाँ है, आपकी बेटी कहाँ है, आपकी बेटी कहाँ है। तो ये सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट बार है भाई जो मैं बता रही हूँ, उसके बाद नहीं बताऊँगी कभी। एक तो पहली बात कि जो लोग बोल रहे हैं कि आपकी बेटी कहाँ है, आपको उसकी फिक्र नहीं है, वो अपने भाई नाना नानी के साथ है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उसको हमेशा से आदत है उन लोग के साथ रहने की, जब मैं थी तब भी, तो
चीज हैप्पी एंड दूसरी बात हम उसी के लिए यहाँ पे आए हैं और उसी के अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जब वो आए तो उसको हमारे वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम लोग सब कुछ प्लानिंग करके पहले से उसको बुलाएंगे तो वो ज़्यादा इजी है, वरना दूसरे कंट्री में आप अपने बच्चे को लेके आओ और उसके बाद आप घर ढूंढो जाओ एंड यहाँ इतनी गर्मी वर्मी होती है तो हम उसको नहीं परेशानी देना चाहते थे। और दूसरी बात की हमें सपोर्ट करें, हाँ और बहुत लोग सपोर्ट करते भी हैं जो लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और मतलब यार इन द एंड वो अच्छे से है, सेफ है, हेल्दी है, खुश है माशाल्लाह, उसकी अच्छी केयर हो रही है, यही चाहिए होता है हर पेरेंट को। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को डे केयर में डालते हैं जो जॉब करते हैं, तो ये जो हमारा सिचुएशन है ये वैसा ही है कि हम अपनी लाइफ सेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ होगी, जब हमें लगेगा कि उसको लाना सही है तब हम उसको यहाँ ले आएंगे। और जो लोग ज़्यादा कंसर्न्ड है उनसे ज़्यादा हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, और यहाँ लाइट आ गई तो इन्होंने रोक लिया मुझे, तो मैं यही हाँ तो बस मैं यही कह रही थी जो लोग इतना कंसर्न है कि भाई आपकी बेटी कहाँ है, उनसे ज़्यादा हम अपनी बेटी को लाना चाहते हैं। और आप किसी की लाइफ का पूरा दिन नहीं देखते हो कि उसको कैसा लग रहा है, उसको क्या लग रहा है, तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। प्लीज़ जज करना बंद कर दो। पीछे से बैठ के टाइप करना बहुत आसान होता है, बट दूसरा इंसान ऑलरेडी अगर इमोशनली वीक है ना तो आप लोग उसको और इमोशनली वीक कर सकते हो। और ये कुछ ज़्यादा ही इमोशनली वीक है तो आप लोग उनको और वीक ना करें, ऐसा नहीं है। हाँ है, बोलो कि हाँ हम तो हाँ, मतलब मैं इमोशनल हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वीक हूँ एज अ पर्सन। आई कैन हैंडल एवरीथिंग ऑन माय ओन, अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई विल। और दूसरी बात कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, तो कोई हमें जज करेगा उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप तो नहीं आओगे ना कल को कुछ करने के लिए, अगर हमें ज़रूरत होगी हम ही हैं उसके लिए तो हम ही आएंगे। तो बस यहीं पे मैं अपना ये रैंट ओवर कर रही हूँ, और ये पहला और लास्ट बार है जो मैं ये सब बता रही हूँ, उसके बाद नहीं बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़। कुछ सोच रही है, सोचती रहना है ज़िंदगी भर, कोई वीडियो का पूरा यही लेके आ गया यहाँ तक, घर ले चलना है। चलो तो इतना सोचोगी ना, इतना सोचूंगी तो क्या होगा, दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। लाओ सुंदर। हाँ क्या लाओ? लाओ क्या लाना है? बस आपने ये कहा था बैट। हाँ तो आपने बोला था बैट। तो बैट जीत गया मैं। जीत नहीं गए तो फिर कुछ हुआ नहीं, कुछ लेन इसकी बात ही नहीं हुई थी कि आप अगर जीत गए तो क्या हो। और पानी भी कितना अच्छा ट्रीटमेंट बिल्ली को मिलेगा, तो हर कोई बिल्ली उधर उसको खाना जाए है, वहाँ उसको रास्ता नहीं। अच्छा बिस्किट है, बिस्किट थोड़ी खाएगी, उसे खाने वाले को हम सोच रहे थे लेके चले जाए। फिर हम वापस कैसे आएंगे इधर? यहीं पे तो है। चलते हैं लेके, उठाइए अगर हाथ में आ तो जाए, लेकिन वो भागेगी, वो नहीं आएगी। नहीं आएगी वो, तुम मत जाओ, हम ले लेंगे इसको। आओ आओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो सोच रही है कुछ खाने को है लेकिन है नहीं। यार ये आएगी नहीं, आप इसको एकदम से नहीं पकड़ सकते हैं। हाँ एकदम से ही पकड़ेंगे। जो कि मुझे करना है अभी, आई विल कांटेक्ट हर। यार पता है आई वांट टू बट पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा है। गिव अप शुगर ब्रो। या उस वक्त पीक पे था डैडी का, शेड बोला। हाउ डू यू फील आफ्टर मीटिंग राहुल? कैसा लगा आपको राहुल से मिलके? बहुत अच्छा लगा राहुल से। हमारे हमारे भतीजे राहुल।
ये एप्पल ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल है 11 दिरहम का, लेकिन ग्रीन एप्पल तो अच्छा नहीं होता इतना। दिस मैन डजंट नो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज आप काम करें, पैप्स आपको नहीं देख, कोई नहीं देखना चाह रहे, आप अपना काम करें, सब्जी उठाएं और चले लेके, फिर घर पे जाके खाना भी बनाना है आपको। क्या ऐसे क्या लुक दे रहे हैं, बनाना है फिर। डिसाइड सून यार, वामे फिलिपिनो वाला कच्चा है लेकिन कल खाए। हाँ कल शाम में पक जाएगा। हाँ कल, हाँ लाल सेब सस्ता है एंड ये सेब महंगा है, ऐसा क्यों? दिस इज 9 दिरहम, 10 दिरहम, दिस इज 12 दिरहम। हर चीज़ डिटेल में बनाना चाहते हैं, इनसे खुद कुछ नहीं बनता, लेकिन मुझसे कहेंगे डिटेल में बनाइए आप। अपने आप ये थैली पहन लेते हैं जब चांस आता है बनाने का तो। हाँ तो आप लोग बताएं ऐसा क्यों है, ये लाल सेब क्या अच्छा नहीं होता है? बताएं, लाल सेब सस्ता है, पीला सेब महंगा है। तो आप कुछ भी देख लेते हैं तो इनको खाना है। हाँ ये जो पूछ रहा था खबूज कैसे होता है, खबूज क्यों होता है मुझसे पूछा था किसने, ये खबूज कैसे होता है, जिसने भी पूछा था, खैर मुझे याद नहीं रहा, लेकिन खबूज ये होता है। दिस इज़ रोटी ऑफ द यूएई, आप इसको लाओ और इस पर खा लो। एंड यहाँ मिल रहा है इंस्टेंट जलेबी, पता नहीं कैसा होगा। क्या 68 दिरहम्स में हमने पूरा स्टोर खरीद लिया है गाइस, आप देख सकते हैं, जस्ट 68 दिरहम्स। हाउ मच इज 68 दिरहम्स? जस्ट 68, हाँ वही तो पूछ रही हूँ, हाउ मच इज 68 दिरहम्स इन 68 लाख्स? नहीं नहीं, हाउ मच इज 68 दिरहम्स इन रुपीज? 22 रुपीज। अगर आप गन बोलते तो मैं आपको बोलता कि कुछ चाहिए ना हंसने के लिए। चाहिए क्या? बिस्किट? यू डोंट वांट चाय? नहीं ये, हाँ दिस कोने में छुप के खा रही है चाय बिस्कुट। कैसा लग रहा है चाय बिस्कुट? कड़क टी अच्छा है? नहीं। और ये थोड़ा सा रेस्ट लिया है। शोहर की मेरे हालत खराब हो चुकी है, चला नहीं जा रहा है इनसे। चले अपने घर, ये गिरना ही मांग रहा है लगता है, ये जाएगा। चलो यहाँ बन रहा है खाना, मेरे पति मेरी मदद करते हुए एक अच्छे पति की तरह। चलो अब मैं अपनी खुद की मदद कर लेती हूँ, क्योंकि अपनी मदद भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं तहरी। अच्छे से काटना ठीक है जी बेटा जी। और हम लोग जा रहे हैं फिराज के यहाँ, फिराज भाई, फिराज स्वीट्स, बहुत ही फेमस यहाँ का, आप लोग खाइए। दिस इज चीज, ये ग्रीन